78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के कमिश्नरी व जिलाधिकारी कार्यालय में झंडारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कमिश्नरी में कौशल शर्मा ने झंडा फहराया तो वहीं जिलाधिकारी कार्यालय पर जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने झंडारोहण किया। इस दौरान राष्ट्रगीत के बीच देश की आन बान और शान तिरंगा को सलामी दी गई। वहीं कई स्कूल के छात्रों ने रैली निकाली और भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से शहर गूंज उठा। इस अवसर पर कमिश्नर कौशल राज शर्मा एवं जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने एक एक पौधा लगाया और सभी को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पर मैं सभी काशीवासियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। हमारे वाराणसी मंडल के सभी नागरिकों को बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत देश बहुत मेहनत करके इतनी दूर पहुंचा है, अब विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा होने जा रहा है। उसी में सब लोग सहयोग करें, सब लोग एकजुट रहें, सब में एक नेशनल इंटीग्रेशन की भावना हो और उसी इंटीग्रेशन के माध्यम से हम लोग इस देश को और विकसित देश बनाएं। आजकल जैसा हर पड़ोसी देश में हो रहा है, जातिगत भावनाओं के नाम पे, धार्मिक भावनाओं के नाम पे या एक्सट्रीमिस्ट भावनाओं के नाम पे देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है, देश को अलग अलग समूहों में बांटने की कोशिश हो रही है। इन सभी षड्यंत्रों को हमें समझने की आवश्यकता है। देश जब भी तरक्की करता है तो उसके दुश्मन पैदा होते हैं, यही भारत देश के साथ हुआ है। अब उन लोगों की हम लोग बातों में ना आए, इस देश को हम इतनी दूर तक लेके आए हैं पिछले 77 सालों में, हमारी पीढ़ियों ने बलिदान दिए हैं और मेहनत की है, उनको व्यर्थ ना जाने दें। सभी लोग एकजुट होकर देश को आगे बढ़ाएं, अफवाहों से बचें और ऐसी बातों से बचें जो भारत विरोधी हों, ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऐसे मैसेजिंग फॉरवर्डिंग, इन सब से बचें और कोशिश करें कि सारे लोगों को हम लोग एकजुट रखने में सहयोगी हों। एकजुटता की भावना हर शहर में हो, वाराणसी में, काशी में, तो स्पेशली बाकी भी उत्तर प्रदेश और पूरे देश में भावना रखने की आवश्यकता है कि हमें षड्यंत्रों से बच के हमारे देश को विकसित बनाने की राह पे आगे बढ़ते जाना है। तो सभी अफवाहों से बचते हुए, सभी ऐसी भावनाओं से बचते हुए जो देश को तोड़ती हैं, उनसे बचते हुए हम देश को आगे लेके जाएं। और आज एक बहुत ही बढ़िया तिरंगा रैली वाराणसी में ऑर्गेनाइज की जा रही है, उसमें भी सभी लोग पार्टिसिपेट करें, तिरंगे के साथ सेल्फी लेनी है, उस सारे कॉन्टेस्ट से जुड़ें, साथ ही साथ देशभक्ति के वो सारे कार्यक्रम करें जो देश को आगे ले जाने की राह चल रही है। तव शुभ नावे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। विश्राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम्। वंदे मातरम्। स्वतंत्रता दिवस जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, वस्त्र जहाँ के, वह है प्यारा देश हमारा। आज ये राष्ट्रीय पर्व है, सभी जनपद वासियों को जिला प्रशासन की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये मैं अपील करूंगा आप जहां भी हैं अपने स्तर से जितना हो सकता है कि अपने घर पे एक अगर तिरंगा जो अभियान को चल रहा है उसको करके झंडा अपने घर पर लगा के, या अगर गाड़ी यूज़ करते हो तो गाड़ी में लगा के भी आप इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। और आज एक बृहद रैली जिला प्रशासन द्वारा आयोजित की जा रही है, मैं सभी से अपील भी करूँगा आप प्रतिभाग करें। ये 10:30 बजे वहाँ हम लोग एकत्रित होंगे काशी विद्यापीठ से, इसकी शुरुआत।
ये आने वाले पीढ़ियों के लिए ये भावना हमको समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक स्वतंत्रता आज जिस हालत में हमारे देश, इसके लिए बहुत सारे लोग ने कई सारी कुर्बानियाँ दी हैं, और आने वाले पीढ़ियों को इस इतिहास के बारे में याद दिलाना और राष्ट्र करना आकर्षित करना सबकी जिम्मेदारी है। इसी क्रम में आज के बारे में कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभा कराया जाए, उसके माध्यम से। थैंक यू।